डियर फ्रेंड्स, आज स्पेशल एक वीडियो हम पॉलीथीन जो है किस प्रकार ग्राफ्टिंग को बांधी जाती है, हाउ टू मीन्स टाई दैट पॉलीथीन एंड विच क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन वी हैव टू यूज। तो डियर फ्रेंड्स, पॉलीथीन किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है और कौन सी क्वालिटी की, तो मैं बता चुका हूँ। जैसे ऐसे मोटे पौधे रहे, हार्ड वाले कंसिडर करो, उसके लिए दोनों प्रकार की पॉलीथीन चलती है। परंतु मैंने क्लिप ग्राफ्टिंग या बार ग्राफ्टिंग, जो जैसे 1 फीट गोलाई का, 2 फीट गोलाई का, या तो हाफ एन फीट गोलाई का, जैसे मोटा हाथ के जैसे मोटाई पेड़ है, अंगूठे जैसे मोटा पेड़ है, उसमें क्लिप ग्राफ्टिंग, जो बार ग्राफ्टिंग जो कहा गया है बार ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसके लिए एक हार्ड जाड़ी की पॉलीथीन आती है मार्केट में। तो पॉलीथीन किस प्रकार की इस्तेमाल की जाती है, तो बड़े पौधे पे जो इसका जाड़ी 2.5 mm का जाड़ी का पॉलीथीन मांगने का, तो यहाँ कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पर झिल्लियों की बिक्री होती है, झिल्लियाँ बिकी जाती है, पॉलीथीन बैग हाउस, वहाँ पर जैसे चावल के बोरियों में जैसी पॉलीथीन बैग आती है, प्लास्टिक की बैग रहती है पॉलीथीन की, और उसके बाद में कवरिंग रहती है, तो उस पॉलीथीन हाउस में आप जाकर विविध प्रकार की पॉलीथीन रहती है, तो उसको बोला 2.5 mm की पॉलीथीन बैग चाहिए। तो ये इतनी 2.5 mm जाड़ी की, तो यहाँ इसका विड्थ ये रहता है, तो यहाँ इलास्टिसिटी होती है इसमें। तो मित्रों, यहाँ पर बोरियों के साइज में मिलती है मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ जैसे कटिंग्स नहीं मिलती आपके, जैसे बोरियाँ जो थैलियाँ रहती है ना, बोरी जैसे अनाज की बोरियों में बोरियाँ रहती है ना पॉलीथीन की, वो बोरियों का साइज वहाँ रहता है, उसे हमें काटना पड़ता है, तो यहाँ बोरियों के साइज मिलेगी। तो यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ उससे भी पतली है, तो यहाँ जो अभी स्टोन उसके लिए एकदम मेरे ख्याल से 0 mm का है ये पॉलीथीन, 0 mm का पॉलीथीन बोलने का उसको वो मिल जाएगा। या तो अगर से आपके पॉलीथीन हाउस नहीं है, तो आप वो जो मार्केट से जो सामान लाते हैं, कैरी बैग्स, जो सब्जी वगैरह आप जैसे अंडे की दुकान में गए, तो वो उसका भी आप स्ट्रिप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर से आपको यह पॉलीथीन हाउस मिलता है, तो पॉलीथीन हाउस से यहाँ बैग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 0 mm का 10 या 15 रुपये में बैग मिलता है। बहुत सारी पट्टियाँ तैयार हो जाती है, लगभग 200-500 के लगभग तैयार हो जाएंगी पट्टियाँ ऐसी। तो यहाँ साइज पट्टियों का इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबाई आप रख सकते हैं। तो पौधा देख देख के आप लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अगर से अंगुली इतना रहा, तो मित्रों अभी इसे बांधने का कैसे, तो छोटा पौधा रहा तो इतने इसमें हो जाती है, लगभग 25 सेंटीमीटर के इसमें, और नहीं तो बड़े पौधे को ज़्यादा लंबी काटने का। तो मित्रों अभी इसे बांधने का कैसे, एक प्रोसेस है। तो मित्रों कंसिडर करो, हमने यहाँ कलम बांध दी है, कंसिडर करो। मैं अभी यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं अभी इसे पेड़ को काटना नहीं चाहता। समझो यहाँ पर आपने यहाँ सायन फिट कर दी, यहाँ सायन फिट कर दी, यहाँ गुठली कलम हो या और कोई कलम हो, यहाँ सायन अगर से फिट कर दी आपने, कंसिडर करो। तो इसे कैसे बांधने का, क्लिप ग्राफ्टिंग का मैंने प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। क्लिप ग्राफ्टिंग को बांधने का तरीका मेरे क्लिप ग्राफ्टिंग के वीडियोज है, बार ग्राफ्टिंग के उसमें दिए गए। तो यहाँ अपन छोटे पौधे का जो वी ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग है उसका है। तो मित्रों क्या करने का, ये पॉलिथ जैसे, तो मित्रों कंसिडर करो यहाँ पर सायन फिट है, लोअर एंड है सायन का, दिस वन इज अ लोअर एंड ऑफ सायन एंड सायन इज अप टू दिस साइड कंसिडर। तो इसको हाउ टू टाई, तो क्या करने का, पॉलीथीन, ये पॉलीथीन ऐसे पकड़ने का है वन टिप, और ये यहाँ पर इस प्रकार ऐसी टाई करने का। तो यहां सायन है कंसिडर, सायन के नीचे से जो टिप है यहां से, तो ये टिप को ऐसा पकड़ने का, टिप को ऊपर रखने का मित्रों, ऊपर ऐसा, और ये नीचे से लेने का, ये देखो ये प्रोसेस है, ये ऐसे घुमाने का, और घुमाने के बाद में जैसे अपन ने इसे पकड़ा, ये ऐसे टाइट करने का, टाइट करने के बाद में इसको ऐसे खींचने का, और ये नेक्स्ट एंड ऐसी करके ये नीचे रहेगा, बस यहां ऐसी ये टूट गया, तो टूट गया तो फिर से भी ऐसा आपको इस प्रकार आपको घुमाने का है, या ऐसा करते, या ऐसा टाइट करने का, या ऐसी तनता है इसको, फिर अंगूठा ये ऐसी पकड़ के रखने का, फिर इधर ऐसी ले जाने का, अंगूठा छोड़ देने का, फिर ये ऐसा टाइट करने का, फिर इस पे अंगूठा रख देने का, देखो एंड टाइटनेस रहेगा, फिर ये ऐसा ले जाने का, फिर ये अंगूठा रखने का, ये फिर अभी अंगूठा छोड़ देने का, क्योंकि अभी ये अपने हाथ में ये आया, फिर ये अंगूठे से इसको दबा के रखने का, ये देखो इस प्रकार एक लेयर पे दूसरी लेयर इस प्रकार अंगूठा, देखो ये अंगूठा रखा, फिर इधर से घुमाया छोड़ दिया, फिर ये अंगूठा रखा, यानी एक टाइटनेस मित्रों। लास्ट के एंड में क्या करने का, इसको थोड़ा खींचने का स्ट्रेच, तनता है ऐसा, ऐसा करके 2-3 राउंड घुमा लेने का ऐसा ऊपर में एंड में ऐसा, और लास्ट में क्या करने का, ये यहाँ से ऐसा इन साइड से ऐसा डालने का, और ये ऐसा टाइट खींच लेने का, ये हो गया आपका, ये ऐसा एंड रहेगा, ठीक है मित्रों। तो ये टाइटनेस हो जाएगा इस प्रकार, और उसके बाद में आपको इस पर पॉलीथीन ढक देने की, ताकि इसको 15 से 20 दिन पानी ना लगे।
आप पेप्सी का भी, पेप्सी का मैंने बताया, पेप्सी जो आती है उसकी भी पॉलीथीन आती है, उसको एक तरफ कट करके प्लास्टिक से पिघलाने का और एक तरफ वो उल्टा डाल देने का, तो इतने पोर्शन में यानी ये ढकना चाहिए पोर्शन, तो लगभग आपको 20 सेंटीमीटर लगभग या 15 सेंटीमीटर का वो पॉलीथीन लगेगा। या तो फिर बड़े पैकेट भी आप अपसाइड डाउन डाल सकते हैं मित्रों, बांधने का नहीं सिर्फ ऐसा करने का, या तो फिर शेड में रखने का, अगर आपके यहाँ शेड है जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप लगे, ये ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन रखने का है, 20-25 दिन में आपका वो बढ़ना चालू हो जाता है, फिर पॉलीथीन हटा देने की एक रिंग पत्ते आने के बाद में, फिर उसको और इसके यानी दो रिंग होने के बाद में पत्तों का दो रिंग आने देने का, ऐसा दो सर्कल आने देने का, ऐसा दो सर्कल यानी लगभग दो रिंग आने देने की पत्तों की, और उसके बाद में पॉलीथीन भी ब्लेड से ऐसी काट के हटा लेने की। तो मित्रों इस प्रकार आपको किस प्रकार पॉलीथीन बांधी जाती है, यहाँ बहुत लोगों ने पूछा था, क्योंकि यहाँ बांधते आना यानी ये टाई कैसा करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइटनेस चाहिए इसमें तभी सक्सेस होता है, अन्यथा फेल हो जाता है। तो मित्रों थैंक यू वंस अगेन, और आपको अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।